हेलो एंड वेलकम एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हॉट एयर ओवन दैट इज़ वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन बाय ड्राई हीट फर्स्ट वी विल गो थ्रू इट्स इंट्रोडक्शन दैट इट इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड जो कि हम स्टेलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकली हीटेड मतलब इसको हीट करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेते हैं हैव फैन इंश्योर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ हॉट एयर इन द चैम्बर इसमें एक फैन लगा होता है जो कि पूरे चैम्बर में जो उसका अंदर का पूरा चैम्बर है उसमें एयर को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है हैव थर्मोस्टेट हेल्प्स इन चूजिंग द टेम्परेचर इसके अंदर एक थर्मोस्टेट लगा होता है जो कि आपको टेम्परेचर सेट करने में हेल्प करता है नेक्स्ट टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे ये काम करता है ये काम करता है 160 डिग्री सेल्सियस पे दो घंटों के लिए हमें जो भी मटेरियल हमने स्टेलाइज करना है वो हम दो घंटों के लिए अंदर रखते हैं और टेम्परेचर सेट कर देते हैं 160 डिग्री सेल्सियस ये इसका डायग्राम है ये पूरा हॉट एयर ओवन है इसमें अंदर की साइड पे यहाँ पे शेल्फ लगी हुई हैं बाहर ये डोर है नीचे टाइमर है और इधर की साइड पे एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है शेल्फ जो होती है तीन से चार शेल्फ प्रेजेंट रहेंगी इनमें होल्स प्रेजेंट रहते हैं होल से क्या होता है कि जितना भी जो एयर है वो हर एक शैल तक पहुंचता है ऐसा नहीं कि एक तक पहुंच गया और दूसरी तक नहीं पहुंचा दूसरा इसमें टाइमर है टाइमर पे आप टाइम सेट कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है उसे हम दो घंटों के लिए ही सेट करें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो टाइम अपने आप घट जाता है तो यहाँ पे टाइमर है हम डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम टाइमर सेट करते हैं थर्मोस्टेट से हम टेम्परेचर सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बट बेसिकली जो हम टेम्परेचर रखते हैं दैट इज वन सिक्सटी डिग्री सेल्सियस फॉर टू आवर्स नेक्स्ट इज मटीरियल स्टेलाइज कौन सा कौन सा मटीरियल हमने स्टरलाइज करना है वो हम इसमें देखेंगे सारे मटीरियल्स को स्टरलाइज नहीं किया जाता कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम बस इन्हीं इन्हीं मटेरियल्स को इन्हीं इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सकते हैं हॉट एयर अवर में स्टेलाइज करने के लिए फर्स्ट है ग्लासवेयर ग्लासवेयर में आ जाता है सीरेंजेस पैटरडिश पिपेट टेस्ट ट्यूब एक्सेट्रा नेक्स्ट है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एग्जाम्पल फॉर सेप्स एक्सेट्रा केमिकल्स सच एज लिक्विड पैराफिन फैट ग्लास्ट्रॉल एंड ग्लोव पाउडर एक्सेट्रा नेक्स्ट इज प्रिकॉशन कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए before putting any material inside the hot air oven. Avoid overloading. कभी भी उसको overload नहीं करना है The material should be arranged in a matter, in a manner so that the free circulation of air is maintained. Allow free circulation. इसका मतलब है कि हमें ऐसे तरीके से material को अंदर set करना है कि उसमें free circulation हो सके उसको overload बिल्कुल नहीं करना है ड्राई द मटीरियल कंप्लीटली कोई भी मटीरियल अंदर रखने से पहले उसको अच्छे से ड्राई कर लेना है सुखा लेना है फिर ही उसके अंदर रखना है कोई भी गीला सामान आप उसके अंदर नहीं रख सकते क्लोज टेस्ट ट्यूब और फ्लास्क माउथ बाय कॉटन प्लग जो भी हमारा टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क है उसको रखने से पहले उनके जो माउथ है वहाँ पे कॉटन प्लग से कवर कर दीजिए डन पेपर रैपिंग जो भी आप सामान यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से पेपर रैप कर दीजिए अवॉइड इनफ्लामेट्री आइटम्स इन्फ्लामेटरी आइटम्स जैसे कि रबर वग़ैरह जो होती है जो बहुत जल्दी हीट पकड़ लेती है ऐसी चीज़ों को अंदर नहीं रखना है वरना उसमें आग लग जाएगी अवन मस्ट बी अलाउड टू कूल फॉर टू आवर्स बिफोर ओपनिंग द डोर सेंस द ग्लास वेयर मे क्रैक बाय सडन कूलिंग जो भी आपका अवन है आपने टेम्परेचर सेट कर दिया वन सिक्सटी डिग्री सेल्सियस टू आवर्स टू आवर्स कम्प्लीट हो गए अब ये नहीं करना कि दो घंटे पूरे हो और डायरेक्ट जाके आपने अवन को खोल दिया ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दो घंटे आपके टेम्परेचर वाले हो गए उसके बाद उसको दो घंटे और ठंडा होने के लिए रखना है अगर आप एकदम जाके डोर खोल देंगे तो जितना भी आपका ग्लास वेयर होगा वो सारा क्रैक हो सकता है नेक्स्ट इज स्टरलाइजेशन कंट्रोल स्टरलाइजेशन कंट्रोल का मतलब होता है इसमें हम इफेक्टिवनेस चेक करते हैं स्टरलाइजेशन की जो कि हॉट एयर ओवन हमें दे रहा है मतलब कि जो भी हमने सामान रखा है वो अच्छे से डी हुआ है कि नहीं हुआ है हॉट एयर ओवन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हम स्टर्लाइजेशन कंट्रोल में चेक करते हैं तो सबसे पहला आता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स में हम क्या करते हैं स्पोर्स ऑफ नॉन टक्सीजनिक स्ट्रेंस ऑफ क्लासटीडियम टेटनी आर यूज टू चेक इट्स इफ़ेक्टिवनेस इसमें क्लास्टीडियम टेटनी जो है वो एक बैक्टीरिया है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेन्स तो उसमें से जो नॉन टॉक्सीजेनिक स्ट्रेन्स हैं मतलब ऐसी स्ट्रेन्स जो डिसीज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगी जो टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करेंगी उन स्ट्रेन्स के स्पोर्स को हम यूज़ करेंगे और जो भी हमने मटीरियल स्टरलाइज करना है उसके साथ रख देंगे स्पोर्स शुड बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर स्टरलाइजेशन अगर आपका हॉट एयर ओवन अच्छे से काम कर रहा है तो इस केस में जो स्पोर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए पर अगर नहीं कर रहा है तो स्पोर्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे नेक्स्ट थिंग जो हम यहाँ पे स्टरलाइजेशन कंट्रोल में यूज करते हैं वो है थर्मोकपल्स ये एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होता है दैट रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर बाय पोटेंशियोमीटर नेक्स्ट इज ब्राउनेस ट्यूब इट कंटेन्स अ हीट सेंसिटिव रेड डाई विच टर्न ग्रीन आफ्टर बींग एक्सपोज टू सर्टेन टेम्परेचर फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इसका मतलब है कि इसमें एक हीट सेंसिटिव रेड डाई होता है जो कि ग्रीन कलर में टर्न हो जाएगा आफ्टर बींग एक्सपोज टू सर्टेन टेम्परेचर ऑफ अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इसमें एक रेड कलर का डाई है जो कि ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है अगर हम उसको एक परफेक्ट टेम्परेचर देते हैं तो इससे हमें पता लग जाएगा कि जो टेम्परेचर हम सेट कर रहे हैं उस पर हॉट एयर ओवन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं इसे एल्बर्ट ब्राउन ने इन्वेंट किया था दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो थैंक यू स्टे सेफ स्टे हेल्दी प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू हैव अ नाइस डे